अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान सिद्दीकी कंपोजिंग सेंटर पिपला के जॉब अलर्ट चैनल में आपको खुश आमदीद। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कुछ असामियों का ऐलान हुआ है, जिसमें असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर की असामियां हैं, और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती अनाउंस हुई है। इसमें कुल 16 असामियां हैं, जिनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें सबसे पहले पहले मैं कोटा वाइज असामियों की तफसील बता दूं। ओपन मेरिट के अंदर जो असामियों की तादाद है वो 13 है, और ख़वातीन के लिए जो कोटा इसमें मुख्तस किया गया है वो टोटल 2 असामियाँ हैं, और डिसेबल अफराद के लिए भी इसमें कोटा रखा गया जिसकी सिर्फ 1 असामी है। उम्र की हद अगर मैं बताऊं तो मेल उम्मीदवार 37 साल तक की उम्र वाले जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल की मजबूरी उम्र जिसमें रियायत शामिल करके 40 साल तक की उनकी अगर एज है तो वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल के हवाले से मैं बताता चलूं, पंजाब के किसी भी ज़िला का उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगर जाए तैनाती आप पूछें तो मैं ये ज़रूर बताऊँगा उम्मीदवार को पंजाब के किसी भी ज़िला में तैनात किया जा सकता है, जहाँ पे वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है। नादरीन, तालीमी काबिलियत में असामियों की बताता चलूँ। सबसे पहले पहले मैं असिस्टेंट की बता रहा हूँ। किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामर के लिए जो असामी अनाउंस हुई है उसकी तालीम के लिए बीए होनी चाहिए, और उसके साथ 4 मंथ का जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज का आपका कोर्स भी हो, या BCS अगर आपने किया हुआ है सेकंड डिवीज़न के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, स्टेनोग्राफ़र के लिए जो तालीमी शर्त रखी गई है वो मसावी तालीम FA के हो या FA हो या FSC हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड से, और उसके साथ 80 वर्ड पर मिनट जो है वो शॉर्ट हैंड इंग्लिश की स्पीड भी वो मांगते हैं, और 35 वर्ड्स जो है पर मिनट टाइप राइटिंग की स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। ये स्टेनोग्राफर की असामी के लिए है, और बैंक फ़ीस भी इसकी आपको अप्लाई के लिए जमा करवानी होगी, जो कि 600 रुपये है, और अप्लाई का तरीका कार बहुत ही आसान है। ऑनलाइन इसका अप्लाई होगा, उम्मीदवार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फ़ीस पहले जमा करवानी होगी क्योंकि चलान फॉर्म स्कैन होकर उसमें अपलोड करना पड़ता है। असल शनाख्ती कार्ड और तस्वीर जो है वो आप अप्लाई करते वक्त अपने हमरा लाजमी रखें, क्योंकि उसकी भी स्कैनिंग होगी। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल 2022 मुकरर की गई है। तहसील पिपला के उम्मीदवार इमरान सिद्दीकी कंपोजिंग सेंटर पिपला पर भी अप्लाई के लिए राब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, आप हमारा जॉब इश्तिहारात और मुफीद मालूमात का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना नेम और शहर का नाम लिखकर हमें स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर भेज दें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेंगे, जिससे आप लम्हा बा लम्हा अपडेट रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।